जो प्रश्न है वह है कि जन्माष्टमी कब की है। जय श्री राधे, जय निताई। आज कुछ दिन से जन्माष्टमी के बारे में बहुत सारी जिज्ञासाएं और प्रश्न आ रहे हैं। सबको अलग अलग समाधान न देते हुए यह एक वीडियो बना दिया है जिससे सभी का समाधान हो जाए। जन्माष्टमी कोई पहली बार नहीं आ रही है, 5,246 वर्षों से हम जन्माष्टमी मना रहे हैं, लेकिन फिर भी हर बार कुछ नए साधक, कुछ नए जिज्ञासु जुड़ते हैं, उनकी कुछ समस्याएं, कुछ जिज्ञासाएं, कुछ प्रश्न रहते हैं, तो उनका समाधान यथाशक्ति यथामति जितना मैं जानता हूं करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहला प्रश्न ये है, जन्माष्टमी कब है? जन्माष्टमी आदि तिथियां कभी कभी दो दो पड़ जाती हैं, लेकिन इस बार जहां तक मैंने देखा सुना है और मेरी समझ में आया है, सभी की जन्माष्टमी 12 तारीख की है, अर्थात 12 तारीख की रात में श्री बिहारी जी में अभिषेक होगा और उसी 13 तारीख की 3 AM मंगला आरती होगी और दर्शन खुले रहेंगे और 13 तारीख को नंदोत्सव होगा। इसके साथ ही श्री राधारमण मंदिर में 12 तारीख को दिन में 12 बजे तक, सुबह 9 बजे से लगभग 11:30 बजे तक अभिषेक होगा। मंदिर चूंकि बंद हैं तो दर्शनार्थी तो नहीं शामिल हो पाएंगे, लेकिन दर्शनार्थी हों या ना हों, ठाकुर की सेवा तो होनी ही है, होगी ही, अवश्य होगी। तो राधारमण मंदिर में 12 तारीख को सुबह 9:30 बजे से और 11 बजे तक अभिषेक होगा और 13 तारीख को वहाँ भी नंद महोत्सव मनाया जाएगा। इसी प्रकार हम सभी साधक लोग भी अपने अपने घरों में 12 तारीख को जन्माष्टमी मनाएंगे, अपनी रुचि अनुसार कुछ लोग सुबह अभिषेक कर लेंगे, कुछ लोग 12 तारीख की 12 बजे अभिषेक करेंगे, कुछ वैष्णव 12 तारीख की रात को 12 बजे अभिषेक करेंगे। अपनी अपनी परंपरा से जैसा भी वो चाहेंगे वैसा वो अभिषेक कर सकते हैं और ठाकुर की जन्माष्टमी मना सकते हैं। जन्माष्टमी 12 अगस्त की है यह निश्चित है। मेरे ध्यान में अभी तक ऐसा नहीं आया कि कोई दो तिथि हो, 12 की ही सभी लोग, मेरी इस्कॉन से भी बात हुई है, राधा कुंड के पत्रा में, हरिनाम प्रेस के पत्रा में, राधा रमन जी में, सभी जगह जन्माष्टमी 12 अगस्त की है। जय श्री राधे, जय निताई।